मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल के दिन का गैप ले लिया, मतलब छुट्टी हो गई, बाहर गया था थोड़े से काम की वजह से। तो अभी उठा हूँ मैं, सुबह के लगभग 7:30 बज गए। चाय वाय पी लिया, ब्रश सब करके फ्रेश हो गया पूरा। तो अभी ग्रेप्स जो है, पीछे वाले प्लॉट है, इनको स्प्रे लेने का है। जो बारिश के पहले लेते उसको बोर्ड बोलते, मतलब चूना मोरचूद का मिक्स करके। तो अभी ये दो वाले प्लॉट हो गए पूरे, ये वाले मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा, आप ये देख रहे हो पीछे, ये वाला पूरा, इसको लगा एक डेढ़ घंटा, इसको लगा पौना घंटा। तो अभी ये दो प्लॉट हो गए, और अभी पीछे वाले ये दो है, और ये वाला एक बड़ा है, ऐसे और प्लॉट है, वो भी करेंगे कुछ नहीं, ये सही काम है थोड़ा थोड़ा, स्टे ट्यून। और बाकी जो सीजनेबल क्रॉप्स होते हैं उसका भी काम चालू कर दिया। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में टोमेटो का, तो वैसे हम टोमेटो भी करने वाले हैं और खीरा भी करने वाले। टोमेटो थोड़ा अर्ली करने वाले, मतलब जुलाई में लगाएंगे टोमेटो, तो थोड़ा अर्ली हो जाएगा चालू। और मौसम जो है वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है, मतलब वो साइक्लोन है जो आया था, मतलब वो अभी गुजरात से थोड़ा डिजोल्व हो रहा है, मतलब कम हो रहा है वो। तो हवा जब कम हो जाएगी पूरी तरीके से, शांत हो जाएगी, तो बारिश भी शुरू हो जाएगी, ऐसा वेदर फोरकास्ट में देखा मैंने। तो अभी देखते हैं, पूरे वेदर फोरकास्ट के भरोसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती, तो काम तो चालू ही रखना पड़ेगा हमको। तो चलो, अभी ये पीछे वाले, ये वाला बड़ा प्लॉट है ये, और ये छोटे दो, ऐसे करते पूरे, और देखते बाद में क्या करेंगे। गाइज, तो पूरे सारे प्लॉट हो गए, मतलब मैंने आज टोटल 5 प्लॉट को स्प्रे दिया है। और स्प्रे दिया मैंने सुबह बताया था, चुना और मोरचूद का स्प्रे देना पड़ता है बारिश के सीज़न से पहले, क्योंकि इसके बाद में और कुछ नहीं स्प्रे देने का, बाद में डायरेक्ट रिकट होगा तभी सब कुछ चालू हो जाएगा। तो चलो, लगभग मुझे, मैंने सुबह चालू किया था 7:30 बजे से, तो अभी बज रहे लगभग 12, पूरे 5 घंटे लग गए और लगते ही उतने। तो चलो, अभी नहाता हूँ, नहाया भी नहीं हूँ मैं अभी तक, क्योंकि स्प्रे सब आता है आप हमारे ऊपर, तो इसकी वजह से अभी नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और देखता हूँ वापस क्या काम करना है। गुड इवनिंग गाइज, तो दोपहर के बाद के स्प्रे के बाद कुछ काम नहीं किया, खाना वाना किया और फ्रेश हो गया था तभी मैं, और दोपहर में काम किया चालू घर वालों ने। टोमेटो जो किए थे हमने समर सीज़न में, वो फेल चले गए, फेल मतलब माल निकाला बहुत सारा लेकिन रेट ही नहीं मिला, इसकी वजह से छोड़ दिए थे टोमेटो। तो उसके जो पौधे थे वो प्लॉट में ही पड़े हुए थे, सब जमीन से निकाल के रखे थे हमने बाजू में, लेकिन उस पर माल था, तो वो थोड़ा थोड़ा माल निकाल के, मतलब माल मतलब टोमेटो का माल था, बहुत सारे टोमेटो थे, तो वो झाड़ के जो पौधे थे वो सूख गए थे, वो निकाले बाहर, मतलब प्लॉट के बाहर निकाले और जला दिए वो, ताकि प्लॉट साफ हो जाए और उसमें खीरे की खेती करने की। तो अर्ली में प्लॉट करने का तो रेडी होना चाहिए प्लॉट ना, ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो चलो, आज इतना ही काम किया, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे व्लॉग, टू लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, बाय।